नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस साल के अंत तक महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। सरकार बनाने को लेकर लोगों के बीच में कायसे का दौर शुरू हो गया है। इस बीच जनता के मूड को जानने के लिए एबीपी न्यूज लोगों तक पहुंची है। मोदी सरकार को दूसरी बार प्रचंड बहुमत मिलने के बाद 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस 3 राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड है। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र में जहां देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं हरियाणा में बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सरकार चल रही है। देश के आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में रघुवर दास कमान संभाले हुए हैं। इस साल के अंत तक इन तीनों राज्यों में चुनाव संपन्न हो सकेंगे। ऐसे में एबीपी न्यूज़ अपने पाठकों और दर्शकों के लिए बहुत जल्द इन 3 राज्यों का ओपिनियन पोल लाने वाली है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं, जहां सरकार बनाने के लिए कम से कम 145 विधायकों का समर्थन चाहिए। मौजूदा समय में बीजेपी और शिवसेना मिलकर गठबंधन की सरकार चल रही है। देवेंद्र फडणवीस राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस यहां मुख्य विपक्षी दल के रूप में मौजूद है। दोस्तों, हरियाणा की बात करें तो विधानसभा की कुल सीटें 90 हैं, जहाँ सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 सीटों का समर्थन चाहिए। मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है, जिसका नेतृत्व मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं। यहाँ भी कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ की कुल विधानसभा सीटें हैं 80, यहाँ सरकार बनाने के लिए कम से कम 41 सीटों का समर्थन चाहिए। मौजूदा समय में रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल के रूप में भूमिका निभा रही है। दोस्तों, आज की अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।